दोस्तों देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को केएमपी एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे और गुरुग्राम के सुल्तानपुर गांव में विशाल जन विकास रैली को संबोधित करेंगे। वे शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घरोंडा के लोक निर्माण विश्राम घर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमपी एक्सप्रेस वे के शुरू होने से इस मार्ग के साथ लगते क्षेत्र में औद्योगिक व आर्थिक उन्नति के साथ साथ शिक्षा और आईटी क्षेत्र में भी हरियाणा अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के अग्रिम राज्यों की सूची में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में औद्योगिक उन्नति के साथ साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यह सब हरियाणा में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी संभव हो पाया गया। रोजगार से संबंधित विषय पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जमीन की जोत घट रही है, छोटी जोत वाले किसान की आय में वृद्धि हो इसके लिए भी हरियाणा सरकार चिंतित है और प्रदेश में आ रही औद्योगिक क्रांति से किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। वो अब बनकर के तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री जी द्वारा 19 तारीख का उद्घाटन किया जा रहा है और वास्तव में ही ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और मैं समझता हूँ कि केएमपी के इर्द गिर्द एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की आगे की योजना है, अब उसमें हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी और इंडस्ट्री, उद्योग, एजुकेशन, आईटी सबके जो है अवसर। घरोंडा से एएनटी नेशनल के लिए सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। अब आपका एएनटी नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही।